सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। गाइस, आप जो ब्लॉग देख रहे हो ये दरअसल ये मथुरा ट्रिप का ब्लॉग है। एक्चुअली काफ़ी टाइम से मेरे घर में प्लानिंग चल रही थी कि मथुरा जाने की बात हो रही थी। सो फाइनली वो दिन आ चुका है और हम लोग मैं और मेरी पूरी फैमिली इंक्लूडिंग मेरे मामा हम लोग जो है न्यू दिल्ली स्टेशन आ चुके हैं। एक्चुअली मेरा घर नोएडा में है, सो वहाँ से न्यू दिल्ली स्टेशन बहुत नज़दीकी है। आधे घंटे के अंदर अंदर हम लोग वहाँ पहुँच गए। एंड वहाँ जाने के बाद जब मैंने ट्रेन के बारे में पता करा कि कौन सी ट्रेन कब जाती है, तो वहाँ मालूम चला कि हर दस से पंद्रह मिनट पे मथुरा के लिए ट्रेन थी। सो हम लोग 9:30 के अराउंड ट्रेन पे बैठे और 11:30 या आसपास मतलब 12 o'clock हो चुके थे। सो हम लोग जो है मथुरा पहुँच गए। एंड ट्रेन में काफ़ी क्राउड था, बट 2 घंटे का सफ़र था, ज़्यादा दिक्कत हुई नहीं, रात का टाइम था। और जैसे ही हम लोग मथुरा स्टेशन पर उतरे तो अंदर से ना एक मतलब अच्छी वाली फीलिंग आ रही थी कि यार फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं। और स्टेशन काफ़ी नीट एंड क्लीन था। सो कुछ टाइम के बाद हम लोग स्टेशन के बाहर आए एंड वहाँ फिर काफ़ी क्राउड था मतलब ऑटो वालों का। एंड अभी 12:30 हो रहा था, तो बार बार ऑटो वाले यही पूछ रहे थे कि आप लोग को कहाँ जाना है, मतलब होटल में स्टे करना है या फिर अभी ही आपको वृंदावन जाना है, क्योंकि मथुरा से ना वृंदावन थोड़ा डिस्टेंस पे था। सो मैं और मामा ने डिसाइड किया कि अभी हम लोग चलते हैं वृंदावन और वहाँ पे जो टेंपल के आसपास जो होटल होगा वहाँ पे रुक जाएंगे, मतलब मॉर्निंग तक की बात थी। तो हम लोगों ने बिल्कुल वैसे ही किया और 1 घंटे के अंदर अंदर हम लोग वृंदावन पहुँच चुके थे। सो मंदिर के पास जो सबसे नियरेस्ट होटल था हम लोग वहाँ गए और हम लोगों ने रात पर वहीं पर मतलब स्टे करा। सो बेसिकली हम लोग यहाँ पर 2 दिन तक रुकने वाले थे। एंड अगले दिन यानी कि मॉर्निंग होते ही हम लोग नहा धोकर जैसे ही होटल से बाहर आए, जब मैंने आसपास के लोगों से पूछा कि यहाँ पे जो राधा वल्लभ मंदिर है वो कितनी दूर है, तो उन्होंने बोला कि बगल में ही मंदिर है। एंड उन्होंने ये भी कहा कि राधा वल्लभ मंदिर के आसपास ना कई सारे टेम्पल हैं, तो आप लोग वहाँ भी ज़रूर जाना। एंड हम लोग 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर श्री बागेजी बिहारी मंदिर के बाहर पहुंच चुके थे। एंड वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड था, ऐसा क्राउड मतलब मैंने नहीं देखा था, मतलब बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। एंड कुछ टाइम के बाद ही हम लोग मंदिर के अंदर इन कर चुके थे। एंड वहाँ जाने के बाद वहाँ का दृश्य मतलब बहुत ही यूनिक था, क्योंकि सभी लोग जो है मतलब भगवान की भक्ति में डूबे हुए थे और बहुत ज़्यादा क्राउड था, काफ़ी अच्छा लग रहा था। वैसे तो वहाँ पर वीडियो शूट करना मना था, लेकिन मैक्सिमम लोग मैक्सिमम क्या, हर कोई वीडियो शूट कर रहा था और फोटो क्लिक कर रहा था। एंड अगर क्राउड की बात करूँ तो क्राउड तो नेक्स्ट लेवल था और चारों तरफ से सिर्फ एक ही आवाज़ आ रही थी, राधे 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 राधे। मतलब सच में मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था वहाँ जाने के बाद। एंड यहाँ पर दर्शन करने के बाद हम लोग यहाँ से बाहर आ चुके हैं। एंड बाहर भी काफ़ी क्राउड था। देन वहाँ से फिर हम लोगों ने पता करा कि आसपास दूसरा मंदिर कौन सा है। देन हम लोगों को मालूम चला कि वहाँ पर एक और टेंपल था, राधा वल्लभ मंदिर, लेकिन उसका रास्ता काफ़ी दूर था। हम लोगों को कम से कम 15 से 20 मिनट पैदल चलना पड़ता और काफ़ी क्राउड था। तो काफ़ी टाइम चलने के बाद हम लोग फाइनली जो है राधा वल्लभ जी मंदिर के पास पहुँच चुके हैं। वहाँ पर जाने के बाद क्राउड तो नेक्स्ट लेवल था, मतलब चारों तरफ सिर्फ लोग ही लोग नज़र आ रहे थे। बट हम लोग जैसे तैसे करके मंदिर के अंदर घुसे एंड मंदिर का जो भव्य दर्शन हुआ, मतलब मन पवित्र हो गया यार, देख के बड़ा अच्छा लग रहा था। और जैसे ही हम लोग वहाँ पहुँचे 10 या 15 मिनट के बाद वहाँ पे आरती भी शुरू हो चुकी थी। देन आरती करने के बाद फिर हम लोग वहाँ से बाहर निकले। एंड इस मंदिर से बाहर आने के बाद जस्ट बाहर में एक मंदिर था, जब हम लोग अंदर गए तो वहाँ पे लिखा हुआ था कि ये मंदिर जो है राधा वल्लभ जी का प्राचीन मंदिर है और जो कि अकबर के टाइम पे बनाया गया था। तो वो पढ़ने के बाद मैं हैरान रह गया, यानी कि इतना प्राचीन मंदिर अब तक मतलब सच में। और वहाँ पर लिखा भी हुआ है, ये आपको क्लियरली दिख रहा होगा, आप लोग पढ़ भी सकते हो यहाँ पर। एंड सच में ये मंदिर मुझे काफ़ी यूनिक लगा, क्योंकि देखो यार मतलब कितना विशाल मंदिर है। और हम लोग कुछ टाइम वहाँ पे रुके, देन उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से बाहर निकले। एंड वहाँ से बाहर आने के बाद जब मैंने आसपास के लोगों से पूछा कि यहाँ से यमुना रिवर कितनी दूर है, तो उन्होंने बोला कि ज़्यादा नहीं, यहाँ से 10 से 15 मिनट का रास्ता है। फिर हम लोग वहाँ से पैदल चल दिए एंड कुछ टाइम के बाद हम लोग वहाँ पहुँच चुके थे। एंड यहाँ का सीन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव था, अगर आप लोग यहाँ पर आए हो तो आप लोगों को अच्छे से मालूम होगा। बाकी फिर हम लोगों ने प्लान करा कि हम लोग बोटिंग करते हैं। देन कुछ टाइम के बाद ही हम लोग बोट पे बैठ चुके थे। आपको ये सीन देखकर कहीं ना कहीं बनारस की याद आ गई होगी, क्योंकि बनारस का सीन कहीं ना कहीं ऐसा ही है।
यार मेरा ना सिंपल सा फंडा है, जिंदगी काटने के लिए नहीं होती है, जिंदगी जीने के लिए होती है। देखो जो होने का होगा वो तो होगा ही, तो आप लोग भी जिंदगी को खुल के जियो। और करीब हम लोग हाफ एन आवर के बाद जो है बोट से बाहर आ चुके थे और हम लोग ना दूसरी साइड में उतरे थे, क्योंकि यहाँ से ना एक मंदिर बहुत नज़दीक था और वो मंदिर बहुत ज़्यादा स्पेशल है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ, फिर आप जब उस मंदिर को देखोगे तो आपको खुद मालूम चल जाएगा कि वो मंदिर इतना स्पेशल क्यों है। सो फाइनली हम लोग उसी मंदिर में आ चुके हैं, मैं जिस मंदिर की बात कर रहा था। जी हाँ, कालीनाग भगवान जी के दर्शन हो चुके हैं और ये मंदिर जो है कृष्ण भगवान जी के लाइफ से रिलेटेड है, आपको अच्छे से पता होगा तो स्टोरी बताने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ पर अगर आप सच्चे मन से कुछ भी मांगते हो तो आपकी इच्छा ज़रूर पूरी होती है। और आपको साइड में एक बड़ा सा पेड़ दिख रहा होगा, दरअसल इस पेड़ के पीछे की कहानी ये है। जब मैंने वहाँ पे पता करा तो वहाँ के लोग ये बता रहे थे कि काफ़ी समय पहले जब कृष्ण भगवान जी बच्चे थे तो वो गोपियों के वस्त्र को चुरा कर इसी पेड़ की डाली पर बैठ जाया करते थे, और वो पेड़ अब तक बिल्कुल वैसा ही है, ऐसा मतलब वहाँ के लोग बता रहे थे। तो मैं सच में हैरान रह गया। और आपको ये मंदिर भी यहाँ पर दिख रहा होगा साइड में भगवान जी की। सो यहाँ पर काफ़ी टाइम रुकने के बाद अब हम लोग जो है केसी घाट के लिए वहाँ से निकल चुके थे। दरअसल जब मैंने केसी घाट के बारे में पता करा तो यहाँ से वो कम ही दूरी पे था। इस टाइम मथुरा में इतनी धूप है लेकिन फिर भी क्राउड में कोई कमी नहीं थी। अभी मैं जो लास्ट जो टेम्पल गया था सो वहाँ भी बहुत ज़्यादा क्राउड था। एंड अब हम लोग जा रहे हैं केसी घाट। सो हम लोग जो है फाइनली केसी घाट पहुँच चुके हैं। अच्छा मैं ये पूछ रहा था कि यार आप में से भी कई लोग ऐसे होंगे जो मथुरा गए होंगे, सो प्लीज़ यार आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। सो फाइनली हम लोग केसी घाट पहुँच चुके हैं और यहाँ का सीन देखो आप, यार नेक्स्ट लेवल है। देखो यहाँ पे ये घाट है और इस साइड आपको ये जो अभी आप देख रहे थे बड़ा बड़ा सा पिल्लर, तो यहाँ पे आरती होती है एंड नीचे में कई सारे आपको बोट भी दिखाई दे रहे होंगे। एंड इस साइड में आपको हाँ यार क्राउड तो यहाँ भी दिख रहा होगा आपको, लेकिन यहाँ पे धूप बहुत ज़्यादा है अभी। और जैसे ही यहाँ पे मैं आया तो मेरे दिमाग में सबसे पहले यही आया कि यार मुझे उसके ऊपर जाना है, जो अब पिलर दिख रहा है ना मुझे उसके ऊपर जाना है। सो मैं तुरंत यहाँ पर मैंने बैग रखा और मैं डायरेक्ट वहीं पहुँच गया। एंड अब देखो आप यहाँ का सीन, मतलब नेक्स्ट लेवल है और आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा कि चारों तरफ का लोकेशन कितना ज़्यादा अट्रैक्टिव है। इधर यमुना रिवर हो गया और इधर आपको बोटी बोट दिखाई दे रहे होंगे। एंड इस साइड देखो आप, ये देखो कितना मस्त लग रहा है। सच में ऐसा लग रहा था कि मैं पुरानी दुनिया में आ चुका हूँ। सो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। सच बताऊँ मेरा तो मन ही नहीं कर रहा यहाँ से जाने का, लेकिन इस समय ना यहाँ पे धूप बहुत ज़्यादा है, मतलब नेक्स्ट लेवल है। सो यहाँ पर कुछ टाइम रुकने के बाद अब हम लोग जो है यहाँ से निकल चुके हैं। अब हमें जाना है निधिवन, लेकिन निधिवन का जो ब्लॉग है वो नेक्स्ट पार्ट में आएगा, क्योंकि वीडियो की लेंथ काफ़ी लंबी हो चुकी है। और एक इंपॉर्टेंट बात यार, आपने अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से कर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए राधे राधे।